फौज दुश्मन का एक दिन और निकालूंगा मैं पहले चल करके दफनाई ये लाश। हम समझ गए क्या आपने नहीं मारा? जी नहीं। तो फिर किसने मारा? खाओ मेरे सर पे हाथ रख करके बहन, मैं तुम्हारे सुहाग को नहीं जाना। मां भानी की सौगंध खाकर कहो जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। अरे वाह वाह, बहन से ज्यादा कौन प्यारा संसार में। बहन उस मां भवानी की कसम और तेरे सर की कथम, जो कुछ कहेगी वो करने के लिए। भैया हमारे कहने से आज से चोरी डकैती के काम छोड़ दो। अरे बहन ये क्या कर दिया, यही तुम्हें मांगना था। आज से आप हथियार नहीं साथ में ले सकते। वाह यही तुम्हें मांगना था बहन, एक भाई की अपने मौत मांग रही थी। बन के सावित्री सीता और इस यमराज को गीता पहला बताऊं मैं जाऊं कहां, और गांव में जाके घर से किसानी करूं, फिर पुलिस द्वारा मैं कैद हो जाऊंगा। बहन तेरे कहने से आज से ना हथियार छुएंगे और ना चोरी डकैती करेंगे। वाह सैकड़ों को मैंने लूटा लेकिन हमारी गीता बहन हमें आज हमारे स्थान पर लूट लिया खुद। ए दुर्गा बोलिए, सुनो मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं। बताइए। और लूटा लूटा मुझको और बहना ने हथियार, साथी दुर्गा तुम अभी हो जाओ तैयार। आज से मैं हथियार नहीं छुएंगे, डकैती नहीं करेंगे और तेरे को एक काम करना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर की बेटी को उठा लाना है, जाओ दुर्गा नहीं देर यहां लगाना है। ठीक, जो पुलिस कमिश्नर की लड़की है उसको हमारे अड्डे पर उठा लाओ। ठीक। 50,000 रुपया मैंने लिखित भेजा था कमिश्नर के पास। अच्छा। आज तक दे नहीं गया। जब उसकी औलाद उठकर हमारे अड्डे पर आएगी तब उसको 100 बार गर्ज होगी साला लेकर। जरूर जाऊंगा सरदार जी। जाओ। प्राण मेरे डाले से चल सकता नहीं, जो कुछ कह गया सरदार जी कह के बदल डाल। और दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना हर दिन में। दिल में आग लगाए सावन है। मेरा नाम तो दुर्गा सिंह। क्या मैं तुझे लेने आया हूं।
मैं चल मेरे साथ नहीं जाऊंगी। अब ये ले पत्र मैं तैयार कर दिया हूं, इस पर क्या लिखा है? कमिश्नर साहब, यदि अपनी लड़की की इज्जत चाहते हो तो 50,000 रुपया हमारे अड्डे पर लेकर आओ, नहीं तो इसकी इज्जत लूट जाएगी। ये बहुत जल्दी पत्र उनके पास भेजो, जब तक हमारे हिरासत में है। सरदार जी, कहो मुझे ये कागज सारा रास्ते में पड़ा मिला, इसे पढ़कर तो हमारा दिमाग खराब हो गया। पता नहीं किस साले ने लिख कर डाल दिया है, हमारे नाम से कागज है। कमिश्नर साहब, आप भलीभांत हमें जानते हैं, काफी दिन से हमारे वास्ते परेशान हैं। आपकी लड़की हमारी कैद में है, अगर तुम अपनी लड़की की इज्जत चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर काली माँ के मंदिर में मुझे मिलो, नहीं तो तुम्हारी लड़की की इज्जत लूट जाएगी और जान माल से हाथ भी धो जाएगी। आपका जानी दुश्मन डाकू हरनाम सिंह। सर बहुत जल्दी से चलिए, नहीं उसकी आप रू लूट जाएगी यहाँ पर। लोहा सिंह को आवाज दो। जी हाँ, लोहा सिंह, देख बेटा आज हमारी लड़की कहीं बदमाश उठा ले आए हैं, जल्दी करो उस लड़की की इज्जत बचाने हैं तो तुम जल्दी के साथ अपना थाली भर जाओ उस पे। वो हरनाम सिंह हमारे नाक में दम कर रखा है और इस हमारा स्टाफ तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। नमस्कार। चलिए सिपाही वीरेंद्र सिंह, चलिए उसकी मार दी छुट्टी ओढ़ दी गुदी खोल दिया रहा। सरदार जी, मुझे किसने बुलवाए हो? तुम्हारे से एक काम है। कौन सा काम है? तुम्हें रेप करना है। नहीं नहीं, बदमाश कहीं की हरनाम के अड्डे पर आ करके तुम कहीं जा सकती हो? सरदार हम हो दे चाटा पर आओ चाटो आ कर आप काम चाटो का काम बताए कहे हो अति मोटी चमड़ी पर बताए और आप और दुर्गा सी तबियत मेरी खुश पड़ी है। दुर्गा सी तबियत निकालूंगा इसके और जवानी कम है ऐसे देखा कभी भी हसीना। एक लड़की के चक्कर में पड़ता नहीं, जबर घाटी का होता नहीं। ए साथियों,
माँ भवानी ने मेरे को वरदान दिया था कि जिस रोज तू किसी लड़की के बदल में हाथ लगाएगा उस दिन अरेस्ट हो जाएगा। आज उनको भूलकर ये अपराध सर पे आ गई। साथियों गोली मत चलाना, नहीं तो जनता मर जाएगी। कर लो ले चलो सर। हाँ चलिए चढ़ा दो दार पर से, देरी नहीं लगाना है, तीन कहने पर फंदे को खींच देना है। हरनाम सिंह अब तो अंतिम सब इच्छा बतला दे, कुछ खाना पीना चाहता है, किसी को देखना चाहता है, किसको देखना चाहते हो? ददुआ तो को मरे तो करीब 30 साल हो गए हैं, वो कहां जिंदा है संसार में? अब तो तुम्हारी अंतिम समय नहीं पूरी हो पाएगी। ये ले एक और दो। कहर जाइए बस खबरदार। सुनो इस घड़ी फांसी हरनाम की होना नहीं चाहिए, खोल दो बेड़िया खोल दो। हरनाम की हथकड़ी बेड़ी खुलाने वाले तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचानते हो क्योंकि मैं इस समय साधु का निवास, मैं तदुआ से। तदुआ सर, तदुआ तो मर गया था, अखबारों में सिर्फ मरा था, वो मैंने छपा दिया। इसका मतलब ददुआ तुम गवर्नमेंट को झूठी अफवाह देकर धोखे में डाल रखे। हाँ मैं पहचान सर, इससे पूछो जितने कांड हुए किसने किया। क्या कहना चाहते हो? पहले हरनाम सिंह को फांसी के तख्ते से उतारा जाए। हरनाम सिंह को तख्ते से नीचे उतारा जाए। अब बताओ सबसे पहले सेठ बनमारी का खून किसने किया? उसको पेस्टर मैंने समझा दिया था कि अगर किसी लड़की के हाथ बदन में हाथ लगाएगा उसी दिन तू गिरफ्तार होगा। नालायक कुत्ते, तेरी समझ में बात नहीं आई? ये बताओ सेठ बनमारी का खून किसने किया? साहब सेठ बनमारी लाल का खून मेरे हाथों से हुआ। क्या हुआ? किसने किया? इसलिए क्योंकि वो मेरी पहली डकैती थी, इसको सिखाने के लिए दांव। उसका खून तुमने किया, फिर बताओ इंस्पेक्टर राजेश का खून किसने किया? इंस्पेक्टर राजेश का खून तो मैंने अपने हाथों से किया। क्यों किया? ये इसलिए कि उस शाले ने मुझे बहुत परेशान तंग कर रखा था, इसलिए मैंने उसे गोली से मारा। तीसरी बात ये बताओ विक्रमा का खून किसने किया? मेरे हाथों से हुआ। हुआ? ये इसलिए हुआ कि एक तो पहली बात हमारे ग्रह में रहता था इसका चचेरा भाई था जहरीला सांप, दूसरी बात मेरा नियम था, हर एक डाकू सदस्य जानते थे वो शाला अपनी बहन के साथ अत्याचार कर रहा था, इसलिए मैंने मारा और फिर भी मुखबरी करके हरनाम को पकड़वाया। चौथी बात बताइए एसपी रतन सिंह का खून किसने किया? एसपी रतन सिंह का खून तो मैंने अपने हाथों से। क्यों किया? ये इसलिए किया कि उस हरामजादे ने यह नहीं सोचा, एक पढ़ा लिखा आदमी, क्या कि डकैती उसका भाई करता था गीता का, गीता नहीं करती थी, जिस बिचारी को पैरों की ठोकर मारकर गर्भवती लड़की को मकान से बाहर किया, इसलिए। इसका मतलब जितने कारनामे किया सब तुमने किया? निर्दोष है हरनाम सिंह, कारनामे सब मैंने किया अपने हाथों से। सिपाही इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए और हरनाम सिंह को हिरासत में लिया जाए। पहले हरनाम सिंह को यहां से हटा दीजिए। हटा दो उसे। अब क्या कहना चाहते हो? अब मैं कहना यही चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया और भाइयों आप लोगों से कहना यही है कि भीख मांग कर खा लेना, मेहनत मजदूरी कर लेना, लेकिन डकैती चोरियां नहीं करना, क्योंकि डाकू चाहे जितना बढ़ जाए, चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन एक दिन वो पुलिस के कब्जे में जरूर आ जाता है।
डाकू की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, या गोली खाकर मरे या फांसी के तख्ते पे चढ़े। और अब आपसे इल्तिजा हमारी क्या है, इल्तिजा आपसे बस हमारी यही इल्तिजा आपसे। जिंदगी एक पल की गवारा नहीं, फांसी दिलवाइए। सर हाँ फरमाइए, हाँ कहना है तो सुनाओ। अब सुनिए बात, इसे आप पहचानते हैं? ये तो मेरा गार्ड है। आपका गार्ड है मानता हूं, लेकिन ये है कौन? ये नहीं जानता हूं। ये वही जो तुम्हारे पास यशवी रतन सिंह उनका लड़का है और उनकी पत्नी गीता। अच्छा, ये यशवी रतन सिंह का लड़का है? जी हाँ। इसकी माँ का नाम गीता है? गीता देवी। ओ माय गॉड, हमारे ही स्टाफ का लड़का हमारे पास में आ गया और हम उसे पहचान नहीं पाए। खैर, गीता तुम्हें कैसे मिली ये मुझे बतलाओ। सर, गीता हमें उस समय हमारी मुलाकात हुई जिस समय एसपी रतन सिंह उसे पैरों की ठोकर मारकर मकान से बाहर किया था। वो बिचारी बियाबान जंगल में पहुंचकर आत्महत्या करने जा रही थी, तब तक वही विक्रमा पहुंच गया वहां। अच्छा, उससे बदतमीजी पेश किया क्योंकि उसकी बहन चचेरी बहन दो बहन मैं समझ गया। बदतमीजी करना चाहा, वो चीखने चिल्लाने लगी, फिर मैं दौड़कर वहीं पर पहुंच गया। उसी समय मैंने विक्रमा को मार दिया था, वो भी गोली से नहीं मारा था, गले में फांसी फंदा डालकर मारा था। अच्छा, ताकि गोली की आवाज किसी के कानों ना पहुंचे। ददुआ सिंह, अब तुम अपनी अंतिम इच्छा मुझे सुनाओ, क्या तुम्हारा रिजल्ट है, क्या चाहते हो? और हुजूर, अब एक ख्वाहिश आपसे है मेरी, मैं सुनना चाहता हूँ। जब जिसका घर मैं उजाड़ना जानता हूँ तो बसाना भी जानता हूँ। आखिर में तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। इल्तिजा आपसे ये है कि आपकी बेटी जो रागिनी है, बस आखिरी ख्वाहिश मेरी यही है, ये जो तुम्हारा गार्ड है इसके साथ में रागिनी की शादी कर दो और मुझे फांसी की तख्ते पर चढ़ा दो। ददुआ सिंह, ताकि एक उजड़ा हुआ घर बच जाए, घर के अंदर दीपक जल जाए, बस यही एक। ददुआ सिंह, तुम्हारी बात से हमें इतना यकीन हुआ कि ये लड़का हमारे स्टाफ के जवान एसपी रतन सिंह का लड़का है। इस नाते से हम इस लड़के की और अपनी लड़की की शादी मंजूर करते हैं। तुम्हारी फांसी होने के पश्चात हम लोक रीति से इस लड़के की शादी करेंगे और विधिवत खर्चा करेंगे। चलो तख्ते पर खड़े हो जाओ। अब जो तुम्हें कह रहा है वही से कह डालो। कहोगे कुछ? सर कुछ नहीं कहना। भाइयों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। फांसी का वक्त जब आ गया दोस्तों, चढ़ के ददुआ सिंह सूली हुआ है खड़ा। रोक दे हाथ एक लखनवी, थरथराता कलम थरथराता कलम। भाइयों, इस सीन को देखते ही देखते ये कहानी संपन्न हो गई। इसका नाम था माँ भवानी की सौगंध डाकू हराम से। बोले भुसाईदास बाबा की, सनातन धर्म की। आज आप लोग दिन में 2 बजे आने का कष्ट करेंगे। आज आपके सामने रामलीला में धनुष भंजन का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। बोले श्री विष्णु भगवान की।